देख रहे हैं पर्पल। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बयान, हरियाणा में बंद होने की कगार पर है प्राइवेट स्कूल। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि भाजपा की गलत नीतियों का कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया, जिस कारण प्रदेश में लगभग 10,000 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। वहीं एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि जल्द ही गांव-गांव में निकालेंगे रथ यात्रा और रथ यात्रा में भाजपा भगाओ अभियान चलाया जाएगा। अब देखें पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में 10,000 स्कूल ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी नीति और शर्तें रखी है कि जिसे पूरा करना किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पूर्व बड़े बड़े वायदे किए गए थे, जिसमें आकर के उन्होंने भाजपा को वोट दिए थे। आज वही भाजपा सरकार है जिसने स्कूल तक बंद करवा दिए हैं और बंद करवा भी सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा में भाजपा विरोधी रथ यात्रा निकालेगी जो गांव-गांव में पहुंचेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार बनते ही सभी स्कूलों को बिना शर्त पे मान्यता दे दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसे पूरा किया जाना नामुमकिन सा लग रहा है। हम बड़े दुख के साथ या बड़ा दुख के साथ हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूल बंद होने के कंगाल पर खड़े हुए हैं, जिसका मुख्य कारण भाजपा सरकार है, क्योंकि भाजपा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के साथ धोखाधड़ी की है। सरकार ने 2014 से पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और ये बात है, हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी पूछ सकते हो कि उसमें लिखा था, यदि हमारी सरकार आई तो हम प्राइवेट स्कूलों को भूमि में और भवन में छूट देकर के विशेष रूप से हम हरियाणा प्राइवेट स्कूलों का साथ देंगे और एक कलम से चलाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज हरियाणा सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध खड़ी हुई है और अपने जो मैनिफेस्टो से मुकर रही है। यदि सरकार चाहती तो ये प्राइवेट स्कूल चल सकते थे। हमारी सरकार से मांग है कि भी सरकार नियमों में छूट करके यदि सरकार चाहती तो एक एफिडेविट जो है माननीय हाई कोर्ट में दे सकती है। इन नियमों में छूट, क्या नियम आ रहे हैं? मैडियम भूमि में, क्योंकि और शर्त तो पूरी हो सकती है, लेकिन भूमि एक ऐसी चीज है जो रबड़ की तरह निबट सकती। मैन समस्या भूमि की है, यदि भूमि के अंदर विशेष रूप से छूट की जाए तो ये सभी प्राइवेट स्कूल जो है चल सकते हैं। भूमि में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? कितनी छूट मांग रहे हो? अंदर हम छूट मांग रहे हैं 30%, कम से कम यदि भूमि के अंदर 30% या 40% स्कूल यदि छूट हो जाए तो सभी स्कूल चल सकते हैं लगभग हरियाणा के। उन्होंने कितनी डिमांड रखी आपके पास? नहीं, हमारी डिमांड तो वैसे है, हमारी डिमांड तो दो है। यदि सरकार ने एक वो जो अपेंडिक्स जो दे रखा है, अपेंडिक्स आरटीई का तहत एक कमरा एक क्लास का हिसाब से है, जो है पहली से आठवीं तक मान्यता मिल सकती है, क्योंकि उस नियम के अंदर लिख रखा है। एक तरफ तो शिक्षा के क्षेत्र में आरटीई लगाती है, दूसरी साइड में मतलब जो है छूट भी नहीं देती सरकार। प्राइवेट स्कूल अच्छे अच्छे चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अच्छी अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समय समय पर आप अपने न्यूज पेपर का माध्यम से देखते होंगे, आज सभी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर विभाग में। तो ऐसे कितने स्कूल हैं हरियाणा? ऐसे कम से कम 10,000 स्कूल है हरियाणा में। अगर ये छूट नहीं मिलती, यदि ये छूट नहीं मिलती तो ये बंद होने के कगार पर चले जाएंगे, जिससे एक बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ी और जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे सरकार
ऐसी अवस्था में सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम रोड पर आएंगे और एक हरियाणा पूरा हरियाणा के अंदर हम एक रथ यात्रा निकालेंगे। एक रथ यात्रा जो है ना सरकार का विरोध में होगी, वह विरोध यात्रा प्रत्येक गांव के अंदर जाएगी। उसके अंदर लिखा होगा कि भाजपा हटाओ और स्कूल बचाओ। प्रत्येक मतलब जो है वो रथ यात्रा का काम होगा। हम जल्दी ही, यदि सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम जल्दी से जल्दी फिर ये कार्य करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ एस्टिमेट तो ये 10-5 दिन का ही है, ज्यादा तो नहीं। हम समय रख देंगे, हमारे साथ ही इकट्ठे होंगे, हम समय रख देंगे 5-4 दिन के अंदर। क्या दिक्कत हमें यदि सरकार सरकार के अंदर माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो है इन्होंने नोटिस तो दे दिया, 1 तारीख को भी नोटिस दे दिया इन्होंने कि भी स्टेट्स मांग ली है। तो कब तक कार्रवाई होनी है? अभी तो कोई मतलब इन्होंने कही नहीं, लेकिन 24 तारीख तक कहते हैं वैसे जो अपने शिक्षा के अधिकारी हैं। तो आपने नहीं इसके जल्दी कर देंगे, डेट अभी रख देंगे हम 5-4 दिन के अंदर रख देंगे पदाधिकारी। हम तो आंदोलन के लिए इसकी नाम रथ यात्रा की जल्दी करेंगे। रथ यात्रा हम या तो भिवानी से शुरू करेंगे या फिर हम जो है एक साइड से जिस तरह भिवानी से शुरू कर देंगे। वैसे तो मैंने रथ यात्रा भिवानी से करेंगे, गांव अंदर जाएगी सभी जिलों से होती हुई चंडीगढ़ लास्ट में जाकर के जो है पंचकूला के अंदर जो है एक समाप्त होगी। तो आपने आपकी मांग को लेकर अभी शिक्षा मंत्री जी तो ये आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं क्योंकि आचार संहिता लग रही है, हम क्या करें। और शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी ये कहते हैं हम क्या करें जी, सरकार पर जाओ। सरकार कहती है कि भाई कोर्ट में जाओ, कोर्ट ये कहती है नियमानुसार चलाओ। जितने भी हरियाणा के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी मतलब साथी एकजुट होकर के रथ यात्रा निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? जब हम बेरोजगार होंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे? क्या करेंगे? 10,000 स्कूल नहीं, 10,000 स्कूलों के पास किसी के पास अस्थायी मान्यता है, किसी के पास जो है परमिशन है, किसी के पास जो है मान्यता नहीं है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी इनमें से चल रहे हैं जिन्होंने फाइल लगा रखी है, अभी तक कोई फाइल का निपटेरा भी नहीं होया तो ये है यहाँ पर मतलब ये बंद कर रहे हैं। सरकार को ये नहीं पता कि कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने गैर मान्यता है, कितने ये चल रहे हैं। तो आपके स्कूलों में एडमिशन शुरू? अभी तो सस्पेंस की जो स्थिति है वो चल रही है। कहाँ मतलब एडमिशन होने के लिए मतलब वो समय है, सभी साथी परेशान है। नहीं, स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी कौन